दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में फेस क्लीन जेल के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी बीमारी में दी जाती है, किस तरह से लगाई जाती है, साइड इफेक्ट क्या करती है, कितने दिन तक लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना है, सब कुछ जानेंगे। सो देखिएगा, देखिए फेस क्लीन एक ब्रांड नेम है अबट कंपनी का, अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। 20 ग्राम की दोस्तों एक ट्यूब ये आती है, लगाने की आती है, खाना नहीं है, ठीक है। प्राइस की बात करें तो 180 रुपये के आसपास ये मिलती है, लगभग हर दवाई की दुकान पर मिल जाती है, क्योंकि अबट कंपनी की है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार नहीं मिले तो आपको अल्टरनेटिव ब्रांड भी पता होने चाहिए, जैसे कि आप क्लीन 3 ले सकते हैं, यूनिमर्क कंपनी आती है, क्लियर जेल नैनो ले सकते हैं, H&H कंपनी आती है, नीलेक जेल ले सकते हैं, मर्क कंपनी की आती है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चाहे तो इस नाम से भी ले सकते हैं। इन सभी में दोस्तों दो कंटेंट आते हैं, पहला है क्लिंडा माइसिन 1% और दूसरा दोस्तों निकोटिनामाइड 4%, दोनों ही मिलकर एक अच्छा काम करते हैं। बात करें भाई कहाँ यूज की जाती है, तो दोस्तों फेस की स्किन के ऊपर ये यूज की जाती है, लगाने की आती है, लगानी पड़ती है। कई बार महिलाओं चाहे पुरुष हो, फेस की स्किन पर बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो कि स्किन को ख़राब करते हैं, जिनके कारण स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस आती है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर ये दी जाती है, फिर लगाई जाती है, निशान भी पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाग हो जाते हैं काले रंग के, तो उसमें अच्छा काम करती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो देखिए क्लिंडामाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया की दिक्कत है कारण हो रहा है तो बैक्टीरिया को ख़त्म कर बैक्टीरिया ग्रोथ को कम करता है, साथ ही साथ उन प्रोटीन को बनने से रोकता है जिन प्रोटीन पर ये बैक्टीरिया निर्भर हैं, जिसके कारण इनकी चेन रिएक्शन टूट जाता है कम्प्लीटली और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। निकोटिनामाइड दोस्तों इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये विटामिन B3 का फॉर्म होता है, विटामिन B3 स्किन को ग्लो देती है, प्रॉपर ऑयलिंग प्रदान करती है, बैलेंस रखती है ऑयल का, साथ ही साथ रिमूव डेड्स को हटाने के कारण भी काम भी आती है, नए सेल्स बनाती है, स्वेलिंग को कम करती है, इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, इस तरीके से काम करती है दोनों सोल्ट मिलकर। बात करें भाई दिन में कितनी बार लगाएं, कब लगाएं, तो देखिए आप दिन में सुबह शाम लगा सकते हैं 2 बार, लेकिन लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से फेस वॉश से या साबुन से धोना है, जब भी चेहरा सूखे उसके बाद आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, उतने ही एरिया में लगाना है जितने एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो थोड़े बहुत कर सकती है, जैसे कि जलने लगे स्किन, इचिंग चलने लगे, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो, स्किन में ज़्यादा पिंपल्स आने लगे या ख़राब हो जाए, सूजन आ जाए, ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है, क्योंकि कई बार कुछ स्किन पे ये सूट नहीं कर पाती। अगर ऐसा किसी के साथ हो तो इसका यूज़ मत कीजिएगा, डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ऐसा बहुत ही कम चांस में होता है, हर किसी को नहीं होता। सावधानी दोस्तों इसकी यही है कि सेल्फ यूज़ नहीं करना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो डॉक्टरी सलाह लेनी है। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं वैसे तो कर सकती है, लेकिन डॉक्टरी सलाह लेना अच्छा होता है। दोस्तों जब भी आप लगाओ उसके बाद हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना है। संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, कुछ भी सुझाव लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं वीडियो।